केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एक न्यायिक आयोग का गठन करेगी। उन्होंने लोकसभा में जजों की नियुक्ति को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली की समीक्षा एक लंबे समय से विचाराधीन थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो न्यायिक आयोग बिल संसद में रखा था उसमें इसकी समीक्षा का भी प्रावधान था, लेकिन भाजपा के विरोध के कारण ये आगे नहीं बढ़ सका था। भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की आज़ादी से समझौता करने के लिए पिछली यूपीए सरकार ही जिम्मेदार है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा सीमा पर संघर्ष विराम के हर उल्लंघन को दिया गया है समुचित जवाब। कहा सरकार देश की सुरक्षा पर नहीं आने देगी कोई आंच, लेकिन अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 79 में से 19 कंपनियों का किया है कायाकल्प। बीमार 4 कंपनियां होंगी बंद, नुकसान में चल रही कंपनियों के प्रबंधन में और कौशल लाने की बताई जरूरत। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की मदद के लिए एकल केंद्रों की होगी स्थापना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया कि इससे इन्हें चिकित्सा सुविधा, पुलिस मदद और कानूनी सहायता मिलने में आसानी होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में उठ रहे असंतोष पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि पार्टी की लाइन सर्वोपरि है। उन्होंने पार्टी में उठ रहे बगावती स्वरों को पार्टी का आंतरिक मामला बताया और कहा कि हम जल्द ही इस पर काबू पा लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने सहारा को न्यूयॉर्क और लंदन स्थित होटलों को बेचने या गिरवी रखने की दी इजाजत। पुलिस हिरासत में संपत्ति बेचने की बातचीत करने की भी दी अनुमति। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में मणिपुरी युवक की कथित हत्या पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि दक्षिणी दिल्ली के एसीपी की अध्यक्षता में जांच टीम का गठन किया गया है। बेंगलोर में 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता शामिल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एन सिद्धारमैया ने 6 साल की स्कूली बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामले पर समुचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। शेयर बाजार आज उछाल के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 311 अंकों की बढ़त के साथ 26,026 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 84 अंकों की बढ़त के साथ 7,768 पर बंद हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर हुए आतंकवादी हमले में 3 विदेशी सलाहकार और एक अफगानी दुभाषी की मौत हो गई। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली। गजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। इसराइल की ओर से गजा शहर में अलक्सा अस्पताल पर बमबारी की गई। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग 70 लोग घायल हुए। पूर्वी यूक्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हुए मलेशिया के विमान के ब्लैक बॉक्स मलेशिया के विशेषज्ञों को सौंप दिए गए। इस सामान को अब हॉलैंड ले जाया जाएगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर मामले की जांच के लिए जांचकर्ताओं के दलों को घटनास्थल तक जाने देने की मांग की है। ब्राजील फुटबॉल टीम के नए कोच की दौड़ में पूर्व ब्राजीलियन खिलाड़ी डुंगा का नाम सबसे ऊपर है। गौरतलब है कि विश्व कप में ब्राजील के 4th स्थान पर रहने के बाद कोच लुइस फिलिपे स्कोलरी ने अपना पद छोड़ दिया था।